कि उन्होंने सारे के सारे जितने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस बने थे, रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस बने थे, सबको ध्वस्त कर दिया। कि रावण दो आदमी की सुनता था, कुंभकर्ण और मेघनाथ, और मोदी जी भी दो ही आदमियों की सुनते हैं। और इस देश में एक्चुअली तीन आदमियों का ही राज है। कोई अगर हिंदू ये समझ ले कि भाई हम मुसलमानों को दबा कर मार कर अपना भला कर लेंगे, तो ये बिल्कुल गलत सोच है, अनइंटेलिजेंट सोच। नफ़रत फैला के दूसरे आदमी को दबा के मार के अपना भला नहीं कर सकते, लॉन्ग रन में सबका नुकसान होगा। और इसलिए ये सोच सिर्फ उन लोगों की होती है, सिर्फ उन लोगों को एक शॉर्ट टर्म राजनीतिक फ़ायदा मिलता है जो लोग सत्ता के गेम में हैं, लेकिन समाज में किसी का फायदा नहीं होता, इससे सबका नुकसान होता है। नफ़रत फैलाना और साथ में लुम्पनिज्म फैलाना, यानी कि लिंच मॉब्स, गाली गलौच, मारपीट, वायलेंस, ये एक दूसरा लेवल है। ये दोनों को फैलाने का काम हमारा मेनस्ट्रीम मीडिया कर रहा है, लेकिन साथ में इंटरनेट की वजह से एक नया मीडिया भी खड़ा हुआ है, जिसको हम अल्टरनेट मीडिया कहते हैं, जो कि इंटरनेट के द्वारा चलता है, जिसमें ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं होती, और इस वजह से बहुत सारे अच्छे जर्नलिस्ट्स, भाषा की तरह के बहुत सारे हैं, रवीश इतने सारे हैं, मतलब उनका नाम लेना भी मुश्किल है, बहुत सारे अच्छे जर्नलिस्ट आज अल्टरनेट मीडिया पर और सोशल मीडिया पर इसके बिल्कुल खिलाफ काम कर रहे हैं। यानी जो मेनस्ट्रीम मीडिया नफ़रत और लुम्पनिज्म फैला रहा है, उसके बिल्कुल विपरीत काम कर रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि आज जो अल्टरनेट मीडिया है, उसका इन्फ्लुएंस आज मेनस्ट्रीम मीडिया से कुछ कम नहीं है, करीब करीब उतना ही इन्फ्लुएंस अल्टरनेट मीडिया का है जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं। और इसलिए मेरा ये मानना है कि एक तरफ नफ़रत ज़रूर फैली है, लुम्पनिज्म भी फैला है, लंपटगिरी जिसको कहते हैं, मतलब मार काट, गाली गलौच, बिल्कुल रूल ऑफ लॉ को ध्वस्त करना, कोई रूल्स को फॉलो ना करना, ये सब फैला है। लेकिन साथ में जितने लोगों में ये जहर फैला है, मेरा ये मानना है कि उससे ज़्यादा लोगों में ये इसके खिलाफ भी भावना फैली है। लेकिन फिर भी ये सब नफ़रत और लुम्पनिज्म चल रहा है, नूह में, मणिपुर में, जगह जगह चल रहा है, जगह जगह लिंच मॉब्स घूम रहे हैं, जगह जगह इस तरह के प्रोसेशंस में लोग घूम रहे हैं, रिलीजियस प्रोसेशंस के नाम पर, कभी कभी कांवड़ यात्रा के नाम पर, मतलब हर तरह का लुम्पनिज्म और नफ़रत फैलाई जा रही है। ये क्यों हो पा रहा है, जबकि मेरा मानना है कि उससे ज़्यादा लोग इस नफ़रत के ख़िलाफ़ हैं, इस नफ़रत को नहीं मानते, इस लुम्पनिज्म के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन फिर भी चल रहा है। और ये इसलिए चल पा रहा है कि जो लोग इस नफ़रत की राजनीति कर रहे हैं, वो आज सत्ता में आ गए हैं। और सिर्फ सत्ता में ही नहीं आए हैं, सत्ता में इस तरह से आ गए हैं कि उन्होंने सारे के सारे जितने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस बने थे, रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस बने थे, सबको ध्वस्त कर दिया और सबको अपने हील के नीचे दबा लिया है, करीब करीब सबको। इस वजह से वो लोग ये सब कर पा रहे हैं। और इस पूरे एस्टेब्लिशमेंट में अगर आप देखें, जैसे आज राहुल गांधी ने बोला ना पार्लियामेंट में कि रावण दो आदमी की सुनता था, कुंभकर्ण और मेघनाथ, और मोदी जी भी दो ही आदमियों की सुनते हैं, और इस देश में एक्चुअली तीन आदमियों का ही राज है। आज अगर आप देखें, मोदी, अमित शाह और अडानी,
एक तरफ तो आपने सारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को ध्वस्त कर दिया, दूसरी तरफ आपने अपनी पार्टी को भी ध्वस्त कर दिया, और तीन आदमियों का राज चल रहा है और इनको लगता है। देखिए, आम तौर पर हर एक आदमी ये बात समझता है, हर एक इंटेलिजेंट आदमी ये बात समझता है कि नफरत फैलाने से, दूसरों से लड़ाई करने से सबका नुकसान होता है, पूरे समाज का नुकसान होता है। कोई अगर हिंदू ये समझ ले कि भाई हम मुसलमानों को दबा कर मार कर अपना भला कर लेंगे, तो ये बिल्कुल गलत सोच है, अनइंटेलिजेंट सोच है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आजकल बात होती है, उसके कॉन्टेक्स्ट में आर्थर सी क्लार्क ने अपनी एक 1962 की किताब है, मतलब 60 साल पुरानी किताब, प्रोफाइल्स ऑफ द फ्यूचर, उसमें एक चैप्टर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, जिसमें उसने लिखा है एकदम साफ कि दो चीप कॉमिक स्ट्रिप्स एंड चीपर फॉर्म्स ऑफ साइंस फिक्शन विच प्रोपोगेट द व्यू दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल बी मेलेवोलेंट एंड हॉस्टाइल टू ह्यूमंस आर जस्ट प्रमोटिंग और प्रोजेक्टिंग देयर ओन अग्रेसिव इंस्टिंक्ट्स विच हैव बीन इनहेरिटेड फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ जंगल इनटू अ वर्ल्ड वेयर सच थिंग्स डू नॉट एग्जिस्ट। द हायर द इंटेलिजेंस द ग्रेटर द डिग्री ऑफ कोऑपरेटिवनेस। ये बिल्कुल एक एलिमेंटरी ट्रूथ है, अगर इसको समझना है तो एक किताब है द एवोल्यूशन ऑफ कोऑपरेशन रॉबर्ट एक्सलरॉड की, उसको आप पढ़ लीजिए। बेसिक इंटेलिजेंस आपको ये बताती है कि आप नफरत फैला के दूसरे आदमी को दबा के मार के अपना भला नहीं कर सकते, लॉन्ग रन में सबका नुकसान होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, जिसमें फर्स्ट पास द पोस्ट जो हमारी इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है, उसमें कुछ लोगों का शॉर्ट टर्म फायदा ज़रूर हो जाता है, और उनको लगता है कि नफरत फैला के लड़ाई करवा के हम सत्ता में काबिज रह सकते हैं, हम सत्ता में आ सकते हैं और काबिज रह सकते हैं, और इसलिए ये सोच सिर्फ उन लोगों की होती है, सिर्फ उन लोगों को एक शॉर्ट टर्म राजनीतिक फ़ायदा मिलता है जो लोग सत्ता के गेम में हैं, लेकिन समाज में किसी का फायदा नहीं होता, इससे सबका नुकसान होता है। तो अब सवाल ये है कि हमको करना क्या है। देखिए, जैसे मैंने बोला कि हमारे पास अभी भी इतनी नफरत फैलाने के बाद भी ज़्यादातर लोग अभी ऐसे हैं जो इस नफरत के खिलाफ, इस लुम्पनिज्म के खिलाफ डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, चुपचाप बैठे हैं। हमको उनको जगाना है, और जैसे मैंने बोला कि आज अल्टरनेट मीडिया है, खड़ा भी हुआ है, जिसका इन्फ्लुएंस शायद उतना ही है जितना कि इस लुम्पन मेनस्ट्रीम मीडिया का है, जो इस नफरत के खिलाफ खड़ा हुआ। तो पहला तो हमको ये काम करना है, इन लोगों की बीजेपी की आईटी सेल होगी, हमको एक सिटीजन्स आईटी सेल बनाना है या सिटीजन्स मीडिया सेल बनाना है। देखिए, बहुत सारे अच्छे सिटीजन जर्नलिस्ट अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इसको और बढ़ाना है, इसका और विस्तार करना है, और सारे सिटीजन्स, इसमें तो कोई डर की बात है ही नहीं, ये लोग नफरत फैला रहे हैं, हम लोग प्यार फैलाएंगे, ये लोग झूठ फैला रहे हैं, हम लोग सच फैलाएंगे, और इसमें तो सब लोगों को, हर एक आदमी कंट्रीब्यूट कर सकता है। हम लोगों को छोटे छोटे वीडियोस बनाने हैं या छोटे छोटे लेख लिखने हैं, आजकल लोगों का अटेंशन स्पैन छोटा होता है तो छोटे का ही ज़्यादा इफेक्ट होता है, छोटे वीडियोस, छोटे लेख जिसमें हम बताएं कि भाई हमारी डाइवर्सिटी ही हमारी स्ट्रेंथ है, और हमारे जो हमारा रिलीजियस डाइवर्स एंगेजमेंट है, अलग अलग धर्मों के लोगों से, अलग अलग तरह के लोगों से, उससे हिस्टोरिकली हमारे देश को, हमारे समाज को कितना फ़ायदा हुआ है। हम लोग इस तरह के, और जो पॉजिटिव स्टोरीज जैसे हर्ष ने बताई, इस तरह की स्टोरीज़ को हम लोग फैलाएँ।
और साथ में ये जो झूठ फैलाया जा रहा है, नफरत फैलाई जा रही है, इसके खिलाफ भी हम लोग बोलें, खड़े हों कि भाई ये झूठ है, ये नफरत से किसी का फ़ायदा नहीं होने वाला है। और कहीं कहीं जहाँ हो सके, जहाँ हम लोग पकड़ सकें कि ये झूठ किसने फैलाया, यानी नफरत फैलाने वाला झूठ आज खूब यूज़ किया जा रहा है, भाजपा की आईटी सेल करती है, हमको पता है कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, ऑल्ट न्यूज़ वगैरह वाले पता कर सकते हैं कि किसने ये शुरू किया, किसने ये झूठा वीडियो बनाया। अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा और भी होगा, झूठे वीडियोस बनाना आसान हो जाएगा, जैसे वो विमेन रेसलर्स का बनाया गया था, आसान हो जाएगा, तो ये सब होगा। लेकिन उसको हम लोग ट्रैक करके सिर्फ बस्ट ही ना करें, क्योंकि ये एक अपराध है, संगीन अपराध है। तो जिसने, जो उसका रिंग लीडर है, उसके खिलाफ हम लोगों को मुकदमे वगैरह फाइल करने चाहिए। दूसरी बात, देखिए, हर शहर में एक पीस कमेटी कह सकते हैं या कम्युनल हार्मनी कमेटी कह सकते हैं, वो हम लोगों को बनानी चाहिए। सारे कम्युनिटीज़ के जो बड़े रिस्पेक्टेड लीडर्स हैं, उन लोगों को साथ लाकर, जब भी कोई जैसे नूह में होने लगा, उससे पहले अगर इस तरह के लीडर्स आकर सार्वजनिक बयान देते कि भाई इस तरह की तैयारी चल रही है, ये बिल्कुल रोकनी चाहिए, तो उसका इफ़ेक्ट होता। दूसरी बात, उन लोगों का एक और भी जॉब होना चाहिए कि भाई रिलीजियस एंगेजमेंट हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच में, हिंदू और क्रिश्चियंस के बीच में, वो बढ़ाएं, जिससे कि कॉमन फेस्टिवल्स वगैरह सेलिब्रेट किए जा सकें। तो ये कई काम हैं जो हम लोग सिटीजन्स के तौर पर मिलके कर सकते हैं। और आखिर में तो खैर इन लोगों को पॉलिटिकली हराना होगा, जो लोग आज सत्ता में बैठकर और इसको बिल्कुल बैंड मास्टर्स की तरह इसको ऑर्केस्ट्रेट कर रहे हैं, इस नफरत को और लुम्पनिज्म को, इन लोगों को पॉलिटिकली हराना होगा। और मेरा ये मानना है कि वो समय अब आ गया है। आप देखिएगा कि नवंबर के इलेक्शन में सारे स्टेट्स ये लोग हारेंगे, और धीरे धीरे पूरे देश में माहौल बन रहा है इन लोगों के खिलाफ। और इंशाल्लाह दोस्ती और प्यार की ही जीत होगी और नफरत की हार होगी। थैंक यू।